on the treatment of the slaves. Soon afterwards, the city prefect Lucius Pendennius Secundus was murdered by one of his slaves. कुछ ही समय बाद शहर के शासक जो थे उनका नाम था लूसियस पेंडियस नियस सेकेंडस को उनके एक स्लेव ने ही मर्डर कर दिया था। और मर्डर करने के बाद पुराने रिवाज के अनुसार या जरूरी था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को हर एक दास को फांसी दे दी जाए। ठीक, लेकिन परंतु लेकिन क्या हुआ, बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए उस वक्त क्या हो गई, भीड़ इकट्ठा हो गई, दंगे शुरू हो गए और सेनेट भवन को घेर लिया गया। हालांकि सेनेट जो हाउस था वहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट विरोध किया गया और लेकिन बहुत से अधिकांश सदस्यों ने जो मेंबर्स थे उन्होंने अगेंस्ट एक्सेसिव सीवरिटी बहुत ही कठोरता का विरोध किया जा रहा था, लेकिन अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बातें मान गई और लेकिन जो पत्थर और जलती हुई मशाले लिए भारी भीड़ ने इस आदेश को कार्यान्वित किए जाने से रोका। नीरो ने बिलोइक द्वारा जो था इन लोगों को फटकार लगाई। उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी गई जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। ये एक इससे इस डॉक्यूमेंट से हम समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या स्थिति रही होगी स्लेव्स की, यानी कि अगर एक स्लेव्स अगर कोई भी काम करता था तो उसका हर्जाना सारे स्लेव्स को भुगतना पड़ता था। अ वारफेयर बिकेम लेस वाइड स्प्रेड जब पहली फर्स्ट सेंचुरी में जो कहते हैं establishment of peace in the first century, the supply of slaves tended to decline and the users of slave labor thus had to return either to slave breeding or to cheaper substitutes such as wage labor which was more easily dispensable. अब क्या हुआ, जो फर्स्ट सेंचुरी में जो है पीस एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ लड़ाई झगड़े कम होते गए तो दासों की जो सप्लाई में कमी आने लगी और जो है जो और कहते हैं जो लेबर स्लेव थे उनका लोगों करने वाले लोगों को दास यानी स्लेव ब्रीडिंग अथवा और या कह सकते हैं कि सैलरी वेजेस जैसे ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ा। और सैलरी वेजेस जो लेबर थे सस्ते तो पड़ते ही थे लेकिन आसानी से छोड़ा और रखा भी जा सकता था। और लेकिन रियलिटी यह है कि रोम में सरकारी जो जितना भी गवर्नमेंट निर्माण कार्य होता था स्पष्ट रूप से जो फ्री लेबर का वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। और क्योंकि दास क्योंकि लेबर श्रम का बहुत ही प्रयोग बहुत महंगा हो पड़ता था और भाड़े के मजदूरों के उलट गुलाम जो स्लेव श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था, इसलिए अनेक उनके खर्चे भी उठाने पड़ते थे जिससे उन गुलाम श्रमिकों जो गुलाम जो लेबर थे स्लेव्स लेबर थे रखने की लागत कॉस्ट उनकी बढ़ जाती थी। इसलिए जो है बात की जो टाइम पीरियड था उसमें एग्रीकल्चर एरिया में अधिक संख्या में जो हैं स्लेव लेबर नहीं रहे। ओके, कम से कम जो है ईस्टर्न रीजन्स में तो ऐसा ही हुआ, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए जो इन स्लेव्स और जो मुक्त जो फ्रीडमैन थे जिन्हें ऐसे दास जो मालिकों ने मुक्त कर दिया यानी फ्री कर दिया हो, ठीक है ना, उनके मालिकों ने उनको मुक्त कर दिया हो फ्री कर दिया हो उन्हें फ्रीडमैन कहते थे। डैट इज स्लेव्स हु हैड बीन सेट बाय फ्री देयर मास्टर वर एक्सटेंसिवली यूज एज बिजनेस मैनेजर्स वेयर ऑब्वियसली दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू लार्ज नंबर्स। तो वो क्या करते थे कि को उनको मैनेजर ट्रेड मैनेजर बना दिया जाता था जो कि उनको ज़्यादातर उसी में अपॉइंट कर लिया जाता था, उनकी संख्या भी में आवश्यकता मतलब इतनी ज़रूरत नहीं थी।
और जो मालिक होते थे अक्सर अपने गुलामों अथवा जो फ्रीड मैन हुआ करते थे अपनी ओर से व्यापार ट्रेड चलाने के लिए पूंजी या यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार उनके गुलामों पर सौंप देते थे। अब क्या है, रोमन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर राइटर्स पेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ द लेबर। अब रोमन जो थे उन्होंने लेबर जो मैनेजमेंट था उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया, और साउथ स्पेन से आए हुए फर्स्ट सेंचुरी के लेखक, क्या नाम था उनका, कोलुमेला ने यह अप्रोच किया कि ज़मींदारी को अपनी ज़रूरत से दुगनी संख्या में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो औजार हैं टूल्स हैं वो उसका मतलब स्टोर रखना चाहिए ताकि जो प्रोडक्शन लगातार होता रहे, क्योंकि जो स्लेव्स रिलेटेड जो लेबर टाइम की जो है वो कम उससे लॉस हो पाए, ऐसी जो थी एज ए इंसेप्शंस की वजह से जो था वो अधिक कॉस्ट पड़ती थी। अब देखते हैं कि एम्प्लॉयर्स की ये एक ध्यान मतलब एक एंजप्शन था कि विदाउट निरीक्षण, उन्होंने कहा कि विदाउट सुपरविज़न जो है कोई भी काम देखभाल के बिना नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने फ्रीड मैन और स्लेव दोनों प्रकार के दोनों तरह के श्रमिक जो लेबर्स थे उनको उनके सुपरवाइज सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने सुपरविज़न को ईजियर बनाने के लिए वर्कर्स वर समटाइम्स ग्रुप इनटू गैंग्स और स्मॉलर टीम्स, जो वर्कर्स थे उनको ग्रुप्स या स्मॉलर टीम में कंबाइन कर दिया था। कोलुमेला रिकमेंडेड स्क्वायर्स ऑफ 10, कोलुमेला ने 10-10 सैनिकों के जो है ग्रुप्स बनाए, एंड दिस शोज़ अस डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द लेबर, और ये इस तरह से दिखाया जाता है कि किस तरह से मैनेजमेंट ऑफ लेबर हो रहा था। प्लाइनी द एल्डर द ऑथर ऑफ अ वेरी फेमस नेचुरल हिस्ट्री कंडेम्ड द यूज़ ऑफ स्लेव गैंग्स एज द वर्स्ट मैथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, मेनली बिकॉज स्लेव्स हु वर इन गैंग्स वर यूजली चेंड टुगेदर बाई देयर फीट। तो उन्होंने बोला कि एक एक विज्ञान के बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने कहा कि दास को उन्होंने कहा कि ये जो बता रहे हैं कि 10-10 सैनिक एक साथ मिलकर काम करते थे ये बिल्कुल बेकार बकवास बात है, क्योंकि क्योंकि उस वक्त जो थे आमतौर पर स्लेव के पैरों में जंजीर डालकर रखा जाता था, तो वो कैसे ग्रुप में काम कर सकते थे। ऐसे तरीके कठोर और बहुत ही क्रूर हुआ करते थे, और लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आज वर्ल्ड में अधिकांश फैक्ट्रियां जो है लेबर कंट्रोल के कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती हैं। वास्तव में जो है रोमन एम्पायर में कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल फर्म्स हुई और फैक्ट्रीज हुई जो कि जिन इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे थे, जैसे कि वरिस प्लिनी ने एक एल्डर प्लिनी डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ इन द फ्रैंकिंसेंस यानी फैक्ट्रीज ऑफिसेनी ऑफ अलेक्जेंड्रिया वेयर ही टेल्स नो अमाउंट ऑफ सुपरविजन सीम टू बी सफाइस, अ सील इज पुट अपॉन द वर्क्समैन अप्रेंस एंड दे हैव टू वियर अ मास्क और अ नेट विद अ क्लोज मैस ऑन देयर हेड्स एंड बिफोर दे आर अलाउड टू लीव द प्रीमिसेस दे हैव टू टेक ऑफ ऑल देयर क्लोज। एग्रीकल्चर लेबर मस्ट हैव बीन fatiguing and dislike for a famous tactic of the early and third century refers to Egyptian peasants deserting their villages in order not to engage in the agriculture work। तो यहाँ पे एक बताया गया है कि किस तरह से एक एल्डर प्लिनी सिकंदरिया की एक फैक्ट्री थी जहाँ जो रेसिन की फैक्ट्रियों के हालात का वर्णन किया गया है, जहाँ की एक सुगंधित राल होती है रेसिन, उसकी फैक्ट्री जो है वहाँ पे काम करने वाले लेबर्स के बारे में बताया गया है कि कामगारों के एप्रनों पर एक सील लगा दी जाती थी और उनके अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहना दिया जाता था और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते थे।
ऐसे ही अगर लेबर एग्रीकल्चर श्रमिक अवश्य ही थके थके से रहते होंगे, उन्हें नापसंद किया जाता होगा, क्योंकि थर्ड सेंचुरी के एक राजा देश में इजिप्ट के किसानों द्वारा अपने गांव छोड़कर जाने का उल्लेख है, जिसमें यह कहा गया है कि वे इसलिए गांव छोड़कर जा रहे थे ताकि उन्हें खेती के काम से ना लगना पड़े। इसलिए हो सकता है कि शायद अधिकांश फैक्ट्रियाँ और कारखानों में लागू होती थी। 93-98 के कानून में यह कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता था ताकि वे भागने और छिपने का प्रयत्न ना करें, कोशिश ना करें, उन्हें पहचाना जा सके। कई निजी मालिक कामगारों के साथ जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी वर्क किया करते थे। ठीक, तो डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी काम किया करते थे। एन अर्ली सेकेंड सेंचुरी राइटर टेल्स थाउजेंड सरेंडर देमसेल्स टू वर्क इन सर्विट्यूड ऑल्दो दे आर फ्री। इन अदर वर्ड्स अ लॉट ऑफ पुअर फैमिलीज वेंट इनटू द डेप्ट बॉन्डेज इन ऑर्डर टू सर्वाइव। फ्रॉम वन ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर्ड लेटर्स ऑफ अगस्ताइन वी लर्न डैट पेरेंट्स समटाइम्स सोल्ड देयर चिल्ड्रेन इनटू सर्विट्यूड फॉर पीरियड्स ऑफ 25 ईयर्स। अगस्ताइन आस्क्ड अ लॉयर फ्रेंड ऑफ हिज वेदर these children could be liberated once the father died. Rural independence was even more widespread. To take just one example, in the great Jewish revolt of 66 CE, the revolutionary destroyed the money lenders' bond to win popular support. एक बात कही जाता है कि डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या था। माना कि अभी रिसेंटली में एक खोजे गए अगस्ताइन के पत्रों में से एक पत्र मिलता है, जिनमें ये कहा गया है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 साल के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे उन्हें। अगस्तीन ने ये भी लिखा है कि एक बार अपने वकील के मित्र से अपने वकील फ्रेंड से पूछा उन्होंने कि पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या इन बच्चों को आज़ाद किया जा सकता था। तो ग्रामीण जो डेपनेस थी और भी अधिक व्यापक थी। इस कर्जदारी का एक उदाहरण इस घटना से भी मिलता है कि 66 CE के जबरदस्त जब ज्यूइश विद्रोह रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए जो है साहूकारों के बॉन्ड्स तक डिस्ट्रॉय कर दिए थे। ओके, तो फिर भी हमें इस रिलेशन में सही सिचुएशन समझने के लिए बहुत सारी केयरफुलनेस चाहिए, क्योंकि सीधे इस कंक्लूजन पहुंच जाना चाहिए कि जो मोस्टली जो लेबर्स थे इन तरीकों से दबाव डाला जाता था। और 5th century के लास्ट ईयर्स में सम्राट एनेस्टेरियस ने ऊंची हाई वेजेस देकर और समूचे ईस्टर्न रीजन से श्रमिकों को जो लेबर्स को आकर्षित करने के लिए 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण किया था। और कुछ दस्तावेज जैसे कि पेपराइसिस का से हमें यह अनुमान मिलता है कि 6th century में मेडिटेरेनियन रीजन में विशेषकर ईस्टर्न पार्ट में लेबर वेजेस हैड बिकम इन द पार्ट्स ऑफ द ई पार्ट बन गया था।